दोस्तों सैमसंग बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है ए सीरीज में आवर एक स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फोन को ये काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फोन के बारे में। ये फोन में क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा और किस प्राइस के साथ ये फोन आने वाला है, अगर आप ये फोन के बारे में पूरा जानकारी जानना चाहते तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फोन में। सबसे पहले ये फोन का डिस्प्ले से शुरू करते हैं। ये फोन में बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। ये फोन में पांच होल देखने को नहीं मिलेगा, छोटा सा एक यू शेप नॉच होने वाला इसे पता चल रहा है। ये फोन में 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, तो डिस्प्ले यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाएगा। ये फोन का कैमरा का बात करें तो ये फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर का साथ में दिया जाएगा, साथ में वॉइस मिल जाएगा। और जो सेकेंडरी कैमरा होगा ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जाएगा। और जो थर्ड कैमरा होगा ये 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया जाएगा। सेल्फी कैमरा का बात करें तो ये फोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। सेल्फी कैमरा में और रियर कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाएगा। ये फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो ये फोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया जाएगा। मीडियाटेक का नया लेटेस्ट प्रोसेसर दिया जाएगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा। यह काफ़ी अच्छा बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.6 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड हो चलता है। जीपीयू का बात करें तो मान लीजिए 68MC4 जीपीयू मिल जाता है। यह बहुत ही बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर है। 6 नंबर का प्रोसेसर है, 6 नंबर पर आधारित है। ये फोन का वेस्ट यूजर इंटरफेस का बात करें तो ये फोन में एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, साथ में UI 5.0 दिया जाएगा। ये फोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.2 ब्लूटूथ वर्जन दिया जाएगा। 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। ये फोन का वारंट का बात करें तो ये फोन दो वारंट पर आएगा। जो बेस्ट वारंट होगा 6GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, और जो सेकेंड वारंट होगा 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। ये फोन में मेमोरी कार्ड भी अलग से एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। ये फोन का बैटरी का बात करें तो ये फोन में 5000mAh का बैटरी दिया जाएगा। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 25W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। ये फोन का USB कनेक्टर का बात करें तो USB Type-C 2.0 दिया जाएगा। ये फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो ये फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा और फेस अनलॉक मिल जाएगा, या फिर हो सकता है इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाए, यह भी कंफर्म नहीं हुआ है। ये फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन मिल जाएगा, ग्लासिक फिनिशिंग बैक के साथ आने वाला है। जैसे सैमसंग गैलेक्सी F14 सीरीज फोन में डिजाइन दिया गया तो कुछ ऐसे ही डिजाइन ये फोन में भी मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फोन में। काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन के साथ आने वाला है, तो डिजाइन पर भी अभी कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। ये फोन का लॉन्च डेट का बात करें तो दोस्तों ये फोन का लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये फोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इसे लिक्स के थ्रू पता चला है, ये गीकबेंच पर लिस्ट हो गया इंडिया का, तो यहाँ पर इंडिया पे ये फोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। फेब्रुवरी में ये फोन देखने को मिल जाएगा, इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। जब ये फोन का ऑफिशियली लॉन्च डेट कन्फर्म हो जाएगा तो फिर से मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा। ये फोन का प्राइस का बात करें तो दोस्तों ये फोन का प्राइस अभी कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि ये फोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम प्राइस पर भी आ सकता है। इसे लिक्स के थ्रू पता चल रहा है ये 25,000 से स्टार्टिंग होगा और आपको ये 30,000 रुपीज तक जाएगा। तो ये 30,000 का अंदर ही रहने वाला है, 25 to 30,000 का अंदर ही रहेगा इसका प्राइस। इस प्राइस रेंज पर आया तो जो स्पेसिफिकेशन बताऊँ वही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आया तो ये बढ़िया रहेगा, बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको ये फोन कैसे लगा, क्या आप ये फोन के लिए वेट कर रहे हैं, अपने जीवन में बता सकते हैं। जब ये फोन लॉन्च हो जाएगा और ये फोन का सभी जानकारी आ जाएगा तो फिर से मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और हो सके तो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी डाटा लूंगा आप लोगों ऐसे ही मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो में खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।